की खूबसूरत सुबह, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द चैनल गाइस। अभी मैं हूँ मुन्नार में और आज ब्रेकफास्ट के बाद हम निकलेंगे टेकरी के लिए। मुन्नार का व्लॉग ऑलरेडी अपलोडेड है। आज बूफे में मेरा फेवरेट नाश्ता है चना पूरी। खूबसूरत वादियों में बैठकर अपना मनपसंद नाश्ता करने का मज़ा कुछ और ही होता है। बहुत दिनों के बाद ब्रेकफास्ट में एग खा रही हूँ, ऑलवेज मेरा वेस्ट डे ही होता है। और ऐसे वेदर में ना चाय पीने का एक अलग ही मज़ा है, चाय और हसीन हो जाती है। वाह, शायरी ऑन ऑल गाइस, बट आई लव मेरी चाय एंड माई चाय टाइम। तो अब बारी है यहाँ से निकलने की। देख रहे हैं ऐसी खूबसूरत जगह से कौन ही जाना चाहेगा, बट हमें निकलना है टेकरी के लिए। हमारा 2 नाइट का रिसॉर्ट वहाँ बुक है और वहाँ पहुँचने भी हमें 2.5-3 घंटा लगेगा। मुन्नार से टेकरी टेम्परेचर आपका बढ़ जाएगा एंड वहाँ रास्ते में हमें बड़े गणेश जी दिखे तो हमने वहाँ रोका कार, हमने पिक्चर्स वगैरह क्लिक किए वहाँ पर। उसके बाद हम पहुँच गए हमारे रिसॉर्ट। यहाँ हमारा सामान कार से निकलते हुए और हमारा स्वागत करते हुए चंदनम और वेलकम ड्रिंक से। थोड़ा सा वेट करने के बाद हमें मिला हमारा रिसॉर्ट का नंबर और हम चले अपने रिसॉर्ट की तरफ। हम में से सबसे ज़्यादा एक्साइटेड रियान हो गया था। हम तो स्विमिंग करते हैं, उधर कर रहे हैं, चलो ना स्विमिंग करना। हाँ। अरे तुम साउथ इंडियन हो गया, चंदनम लगा के, चंदनम। तो ये है हमारा रूम, काफ़ी अच्छा था। एक रिसॉर्ट में 2 रूम दिए गए थे एंड आप देख सकते हो। बट एक चीज़ है, यहाँ पे एसी नहीं था। पूछने पर बोलते हैं कि यहाँ एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट 22 टेम्परेचर था वहाँ पर और दिन के टाइम पे वहाँ काफ़ी गर्म होती है। बट आई डोंट नो कि एसी क्यों नहीं लगाते हैं वो लोग। कहते हैं यहाँ के किसी भी होटल एंड रिसॉर्ट में आपको एसी नहीं मिलेगा, तो फिर चुप हो गई। खैर यहाँ पे 2 वॉशरूम एंड 2 रूम हैं और ये वाला रूम मम्मी का है। रियान का एक्साइटमेंट एक रूम से दूसरे रूम खुशी खुशी फ्रीली जाने का। रिसॉर्ट के बाहर का भी टूर दे देती हूँ। काफ़ी ग्रीनरी को मेंटेन किया गया है एंड ये हमारा रूम है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हमारे रिसॉर्ट के सामने ही पेड़ पर ना इतने सारे जैकफ्रूट लटके हुए थे कि मैं उसे छू के देख रही थी, यू नो, कि ये पक्के हैं कि कच्चे हैं। तो मम्मी ने बोला ऑब्वियसली ये कच्चे ही हैं, इतने छोटे हैं। ये बैग का दुकान है तुम्हारे पीछे, शॉपिंग खोर। कितना शॉपिंग करेगी हमें। रिसॉर्ट घूमकर आए हम, फिर मम्मी ने खोला अपना मिठाई का पिटारा और सब ने किया अपना मुंह मीठा। अभी मैं हॉलीडे में हूँ तो कोई रोक टोक नहीं है, मैं सब कुछ खा सकती हूँ। एंड उसके बाद हम गए गेम जोन में जहाँ रियान जाने की ज़िद कर रहा था। फिर मम्मी फिर से चली गई शॉपिंग करने क्योंकि रिसॉर्ट में भी कुछ शॉप्स थे। रिसॉर्ट से निकलकर हमने सोचा कुछ बाहर लोकल खाते हैं, तो हम रेस्टोरेंट गए। वहाँ उन्होंने प्रॉन फ्राई एक डिश दिया हमें जो ठीक ठाक था खाने में। उसके बाद उन्होंने दिया हमें सुरमई फिश। साइज़ देख रहे हैं, एक खाने के बाद आपको कुछ और खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट फिश बहुत ही फ्रेश और टेस्टी था। क्या सिल्क है ये? शाम हो गई थी, कुछ खास करने को था नहीं, तो सोचा आज लोकल मार्केट ही घूम लिया जाए। वहाँ के लोकल मार्केट से ना हमने कुछ सेंटेड सोप लिए थे, कुछ इस तरीके के डिफरेंट दिख रहे थे फॉर गिफ्टिंग एंड वहाँ पे ड्राई फ्रूट एंड गरम मसाला बहुत ज़्यादा मिलता है। घूमते घूमते दिख गया मुझे फुचका, जब दिखाया तो खाना बनता है। अब खाओ। वापस रिसॉर्ट आकर थोड़ा सा गेम खेला रियान के साथ, डिनर किया क्योंकि सुबह जल्दी उठना है, बोटिंग के लिए जाना है। और यहाँ मैं हो रही हूँ फटाफट रेडी। आज का आउटफिट बहुत ही लाइट रखा है क्योंकि आफ्टरनून में धूप बहुत चढ़ती है यहाँ पर, बहुत कड़ाके की गर्मी होती है, इसलिए सब कुछ लाइट लाइट। रेडी होके हम निकल तो गए, बट बोटिंग करने के पहले ब्रेकफास्ट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें पता नहीं कि वहाँ कितना टाइम लगेगा। बोटिंग फॉरेस्ट में है तो पता नहीं वहाँ खाने के लिए भी कुछ मिलेगा कि नहीं, तो बेटर है कि खा के जाए। रियान बहुत दिनों के बाद फिश फिंगर खा रहा था इसलिए वो बहुत एक्साइटेड था।
हमने मंगाया ग्रिल चिकन सैंडविच एंड उत्पम। उसके बाद हम पहुंचे बस स्टॉप। यहाँ से आपको गवर्नमेंट बस की टिकट लेनी पड़ेगी फॉरेस्ट में जाने के लिए, और वहाँ से अगेन टिकट लेनी पड़ेगी बोटिंग करने के लिए। हम पहुँच गए पेरियर टाइगर रिजर्व। 30 मिनट्स लगा हमें पहुँचने में, और ये है लेक जहाँ हमें करनी है बोटिंग। बहुत ही खूबसूरत है, मिडल ऑफ द जंगल में ये लेक है जहाँ हम आनंद लेंगे शुद्ध हवा एंड बोटिंग का। तो ये है वेटिंग रूम जहाँ आप वेट कर सकते हैं, बट यहाँ बहुत मंकी है गाइस। देख रहे हैं पिक्चर फ्रेंडली है यहाँ के मंकीज, और सामान लेके ऐसे भागेंगे ना कि मिलने वाले नहीं है दोबारा आपको। हमारा टर्न आ गया और हम चले बोट की तरफ। अगर आप ठीकरी आते हैं तो आपको ये बोटिंग जरूर करनी चाहिए, मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है यहाँ का, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। बोटिंग के बाद आप वहाँ रुककर पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर सकते हैं, बट वहाँ खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है, तो हमें बहुत भूख लग रही थी। वापस सिटी में आके पहले हमने किया अपना लंच। हम वापस आ गए हैं वाटर बोटिंग से, तो पहले कोची, देन मुन्नार, अभी हम ठेकरी में हैं, एंड अभी हम जाएंगे अष्टमुंडी। नेक्स्ट हमारा कल है डेस्टिनेशन वहाँ पे, एंड हम जो है क्लब महिंद्रा के मेंबर है, तो हम सारा जो हमारा बुकिंग है डेस्टिनेशन है वो सारा जो है क्लब महिंद्रा पर ही होने वाला है। क्लब महिंद्रा के जो भी प्रॉपर्टीज होते हैं ना उनके लोकेशन बेस्ट होते हैं, एंड ठेकरी के जो मेन अट्रैक्शन है वो जंगल सफारी एंड वाटर बोटिंग है। तो हमने जंगल सफारी इसलिए नहीं किया क्योंकि उसके लिए बहुत टाइम लगेगा, करीब 12 आवर्स आपको लगेंगे, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं था जंगल में 12 घंटा रहना वो भी रिहान के साथ। तो हमने जो है वाटर बोटिंग किया जो काफ़ी अच्छा था। केरला इज़ फुल ऑफ नेचर, यहाँ पे इंडियन स्पाइसेस बहुत ज़्यादा मिलते हैं बेस्ट क्वालिटी वाले, एंड यहाँ के नेचुरल आयुर्वेदिक स्पा भी बहुत फेमस है। मैंने करा बट मैंने जो है नेचुरल स्किन केयर एंड हेयर केयर प्रोडक्ट्स बहुत सारे खरीदे हैं, मन था उन सभी को लेने का, एंड वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड टू ट्राई ऑल ऑफ दिस। कल हम निकल जाएंगे अष्टमुंडी के लिए, एंड लेट्स सी वहाँ पे हम क्या क्या नया ट्राई करते हैं। शाम में कुछ करने को था नहीं, तो रियान चला गया प्ले जोन में, और हमने किया डिनर लच्छे वाला पराठा विथ कसा चिकन जो बहुत टेस्टी था। सुबह मैं हो गई हूँ रेडी क्योंकि अभी हमें नेक्स्ट निकलना है एलएपी के लिए, उसके बाद हम अष्टमुंडी जाएंगे क्योंकि अब टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट बढ़ेगी। बहुत सारे सनस्क्रीन के साथ किया है लाइट मेकअप विद लाइट आउटफिट, और मैंने अपने चप्पलें भी डाली है क्योंकि अब तो बीच वगैरह जाना है ना। सुबह सुबह जब हम निकले थे ठेकरी से एलएपी के लिए तो वेदर बहुत ही अच्छा होके रखा था एज यू कैन सी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।